हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड ये आपके सामने हमेशा की तरह दो नंबर है, नंबर वन नंबर टू। आपको इनमें से कोई सा भी एक नंबर चुनना है और फिर देखते हैं कि ये जो जून का महीना है ना, आज 1 जून है, यानी कि आज 1 तारीख है, 1 जून है, तो हम देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, बेसिक जून के लिए है, लेकिन टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को सुनोगे या फिर देखोगे, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देगी। ओके, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लीजिए। एंड यार ये रीडिंग किसी भी पर्सन के लिए हो सकती है, किसी भी जेंडर के लिए हो सकती है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मायने नहीं रखता यार, सब लोग एक होते हैं। ओके, हमारा भगवान भी एक ही है, तो आप अपने प्यार को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और कोई सा भी एक नंबर चुन लीजिए जिसको भी आपको लगे कि हाँ ये नंबर आपके लिए ही है। तो जो नंबर आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है, 1 या फिर 2, या फिर आप इन पिक्चर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहली पिक्चर अच्छी लग रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसको चुन लीजिए, दूसरी अट्रैक्ट कर रही है तो उसको चुन लीजिए। तो चलिए डियर, आई होप कि आप लोगों ने अपने अपने पार्टनर के नाम से ये पिक्चर चुन ली होंगी। अब हम बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले नंबर 1 पिक्चर को चुना है। तो हेलो डियर, कैसे हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। देखो डियर, जून का महीना जो है ना, वैसे तो क्योंकि बोलते हैं ना कि अभी अगर हिंदी महीने के हिसाब से बात करें तो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग पहले तो अपना ध्यान रखिए, अपने बारे में सोचिए, साथ में जो आपके आसपास जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में भी सोचिए। अपनी छत पर आप किसी बर्तन में उनके लिए पानी भरकर रखिए, थोड़े से दाने जो हैं, या गेहूं के दाने, बाजरे के दाने, या फिर मकई के दाने डाल दीजिए, क्योंकि आज का जो महीना है ना, ये जो ज्येष्ठ का महीना बोलते हैं, इसमें ना पानी पिलाने का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। तो अगर आप पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं या फिर किसी को भी पानी पिलाते हैं इस ज्येष्ठ के महीने में, तो आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपके जो भी कर्माज है ना, वो भी सब धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे। तो डियर चलिए, मैं रीडिंग ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। आप लोग कौन कौन अपनी छत पर पानी रखता है पक्षियों के लिए, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। एंड अगर नहीं रखते हैं तो प्लीज़ यार रखना शुरू कीजिए। ओके, एंड डियर मैं आपसे अब रीडिंग स्टार्ट करूँगी आपकी। तो डियर, आप लोगों का ना जून का महीना आप दोनों की लव लाइफ के लिए, देखिए मुझे पता है आप दोनों का काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पार्टनर, आपके पार्टनर भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है और आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई हैं। तो यार इस जून के महीने में, यानी कि इस महीने आपके पार्टनर ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये दूरियां ख़त्म कर दूं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन दूर रह पाएंगे वो आपसे, क्योंकि उनकी फीलिंग अगर मैं चेक कर रही हूँ ना तो बहुत पॉजिटिव आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, तड़प रहे हैं मिलने के लिए आपसे, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरी गलती हुई है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ और आपकी तरफ वापस आना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक बॉय फेम में आपको बता रही हूँ, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को ले लीजिएगा। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लेकर आएंगे जून के महीने में। आपका ऑन ऑफ बंद होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। और आपके लिए आपके पार्टनर सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, अब है जुदाई का मौसम, 2 पल का मेहमान। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर 2 की रीडिंग के लिए। तो हेलो नंबर 2, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। लेकिन यार मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत है, जो भी आप नंबर 2 हैं, मुझे आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है, वो ये है कि आप बहुत जल्दी किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो।
तो वो नहीं करना है भाई आपको। ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो कोई भी आपको धोखा देकर निकल जाता है, बाद में आप रोते रहते हो, फिर आप सोचते हो कि इस इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, मेरा फ़ायदा उठाया और अब मुझे छोड़कर चला गया। तो ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि आप किसी पर भी यूं ही भरोसा कर लेते हो, आप ना तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना ही कुछ, और एकदम से डायरेक्ट उस पर भरोसा कर लेते हो। चाहे फिर आपको लॉस कितना भी हो, चाहे फिर वो लॉस आपको फाइनेंशली हो, पर्सनली हो, या फिर कुछ भी, ठीक है, आपका जो ये नेचर है ना, ये यार मुझे पसंद नहीं है, तो आप प्लीज़ यार थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, हर्ट होते रहोगे, तो ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हो, बाद में समझ में आता है आपको कि मेरा फ़ायदा उठाया। तो यार अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए, बिकॉज मुझे यहाँ शुरू में ही ऐसा कार्ड आ रहा है कि आप, मैं क्या बोलूँ यार, आप इतना ज़्यादा क्यों किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, इतना ज़्यादा क्यों हर्ट होते हो? आप दोनों ही ऐसे हो, आपका पार्टनर भी ऐसा ही है जैसे आप हो, ठीक है ना, जैसे आप हो ना ऐसे आपके पार्टनर है, वो भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते किसी पर भी आंखें बंद करके, धोखा खाते हैं वो भी। ओके, आप दोनों के बीच मुझे दूरियां आई हैं, आप दोनों मैरिड हो सकते हो, ठीक है, आप दोनों की शादीशुदा लाइफ में तबाही किसने मचाई? इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने मचाई ना, क्योंकि आप दोनों ने आंखें बंद कर कर भरोसा कर लिया किसी पर भी। तो थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर हैं आप में से, आप में से कुछ लोगों के जो फैमिली मेम्बर हैं ना, वो ही थर्ड पार्टी बने हुए हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में वैसे भी थर्ड पार्टी चल रही है। लेकिन अभी पता क्या है, जून के महीने में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ से इस थर्ड पार्टी को निकाल फेंकना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हों या फिर कोई भी। उन्होंने समझ आ गया है कि अगर हमें एक साथ रहना है तो थर्ड पार्टी को तो दूर करना ही होगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि थर्ड पार्टी वैसे भी आप दोनों को एक साथ रहने नहीं देगी। तो बस उनको ऐसा लग रहा है ना कि इस थर्ड पार्टी को बाहर निकालूं, और वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। लास्ट नाइट उन्होंने आपको ड्रीम में देखा है, उनको लगता है कि अगर वो एक छोटी सी भी कोशिश करेंगे ना, तो वो अपनी इस लाइफ को, अपनी जो ये लाइफ जो बर्बाद होगी है ना आप दोनों की लाइफ, उसको ठीक कर सके। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों पर किसी को कर्ज है, आपको फीमेल में भी और मेल में भी दोनों पर किसी को कर्ज है, जो अभी आपके सामने ये बंदा आ नहीं रहा है, लेकिन ये बंदा जल्दी आएगा आपके सामने, ये अपनी फीलिंग आप दोनों से शेयर करेगा। मतलब अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेगी, और फीमेल है तो मेल पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। लेकिन यार मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि जितना प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड आपसे करते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार इतना नहीं कर पाएगा। ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा इस जून मंथ में, लेकिन कोई भी सपना इसका सच नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे शुरू में ही कहा था कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस बंदे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना प्यार आपसे आपके पर्सन करते हैं ना, ये कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अपने पर्सन पर ट्रस्ट कीजिए, उसका वेट कीजिए। मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, बहुत से लोग मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आप दोनों, एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, और आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो रीडिंग कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी छत पर पक्षियों के लिए पानी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पानी पिलाना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम है, हमारे जितने भी कर्माज हैं सबको ख़त्म करता है, जितने भी बैड कर्मा है उनको ख़त्म करता है, ओके, और गुड कर्मा को क्रिएट करता है। तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा, कौन कौन करता है मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड यार चलिए मैं अभी रख रही हूँ, और हाँ मैं आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ से एक सॉन्ग जो आपके पार्टनर आपके लिए कहना चाहते हैं वो निकालती हूँ। तो आपके लिए सॉन्ग आ रहा है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ठीक है, ये वाला सॉन्ग आ रहा है मेल पर्सन की तरफ से फीमेल के लिए। ओके डियर, बाय डियर।